अंग्रेजी शरार थी। और उन दिनों में मेरे मशहूर मुसन्निफ़ीन दो थे, ऑलविस हटसे और जेम्स बूल कज़न्स। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने मुझे हल्का बागेजौक के जलसों में ले जाना शुरू किया तो फिर कुछ संजीदगी से उर्दू अदब की तरफ तवज्जो हुई। और दूध की कीमत, हज अकबर और कफन, ये तीन अफसाने मैंने पढ़े। कफन उनका एक शाहकार अफसाना है, उसका मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मुझ पर मार्क्सिज्म का रंग चढ़ना शुरू हो गया। अब भी मैं ये सोचता हूं कि जवानी के वलीन दौर में मार्क्सिज्म का रंग चढ़ना बहुत जरूरी हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर गुरुवत से शिनासाई हो जाए तो उस रंग का उतरना वो भी उतना ही जरूरी है। अब इन दोनों के दरमियान क्या तफावत है तो उसकी बहस इस वक्त नहीं हो सकती। बहरहाल मैं फिर मैदान अमल उनका नावल पढ़ा, कोश है आफियत, और उसके बाद गवदान। गवदान से बेहतर नावल मैंने उस वक्त तक उर्दू में न पढ़ा। उस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसको हम सुकून कहना चाहिए या असल किरदार कहना चाहिए, वो एक जालिम जागीरदाराना निज़ाम के जुल्म का शिकार है, लेकिन चट्टान की तरह मजबूत है। वो ठोकरों के ठोकरे खाता है मगर सिसिफस की तरह फिर से उछाड़ा होता है। तो जिस साबित तदनी से हालात का मुकाबला करता है वो उसे हीरोज़ की सर दे जाता है। और प्रेमचंद जी ने उस किरदार को उस तरह लिखा है, संभल कर, यानी लिखते लिखते उनके वो जज्बातियत तारी नहीं हुई जो उनके दूसरे नावल में नजर आती। जब मैं, ये जमाना है जब मैं बी ए पास कर रहा हूं, मुझे एक शर्मिंदगी सी हो रही है कि यहां उर्दू अदब के ऐसे बुजुर्गवार बैठे हैं, ऐसे ऐसे तरकी निगार बैठे हैं, मैं उनके सामने क्या कहूँ। वो मुझसे बहुत बेहतर प्रेमचंद जी के फन के रोशनी डालेंगे और डाल सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उनकी नस्ल दिल में घर कर लेती है। अब आप देखिए कि उनको, उनका इंतकाल हुए हुए 80 वर्ष होते हैं और इन 80 वर्षों में बहुत कुछ लिखा गया उनके बारे में, उनकी बहुत तारीफ हुई और उन पर बहुत सी तनकीद भी। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं और वो है अंदाज़।